सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ कथन दिए हैं आपके 4, AD बराबर कोण DCB बराबर OC बराबर कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर। ठीक है, इनको आपको पूरा करना है कि यहाँ पर बराबर पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इस समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। अब आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? जैसे ये भुजा है, इस भुजा के बिल्कुल जस्ट सामने ये वाली भुजा, यानी AD के जस्ट सामने है BC, तो AD और BC ये समांतर होंगे। बच्चों, समांतर का चिन्ह होता है ई है, ठीक है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? AD समांतर BC, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC समांतर AD, ठीक है। अब ये वाली भुजा यानी DC और AB, ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी कैसी हैं? समांतर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं DC समांतर AB या AB समांतर DC, ठीक। यानी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अगली बात, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये BD और AC। विकर्ण कैसे बनता है? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से, ठीक है। जो रेखाखंड बनता है उसे हम कहते हैं विकर्ण। B और D आमने सामने, इसको मिलाया तो ये रेखाखंड बन गया BD और ये हो गया एक विकर्ण। दूसरा विकर्ण, A और C दोनों आमने सामने के शीर्ष हैं, A और C को मिलाया तो रेखाखंड बना AC, ये दूसरा विकर्ण है, ठीक है। अब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ? O पर काट रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से O और C और O और A ये बराबर होंगे, ऐसे ही O और D और O और B ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। यानी ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। तो कहने का मतलब क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अगली विशेषता इसकी क्या होती है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी कोण A ये वाला, इसके सामने है कोण C ये वाला, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर, ठीक। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने कोण और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही कोण D के सामने का कोण है कोण B, तो क्या होगा? कोण D बराबर होगा कोण B के, ठीक है बच्चों। अब इसी आधार पर हम इन कथनों को पूरा करेंगे, ठीक। तो यहीं मैं आंसर लिख देता हूँ। देखिए, AD और BC दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। और DC और AB ये दोनों समांतर हैं, ठीक। तो ये वाली भुजा यानी AD और ये वाली भुजा BC दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। ऐसे ही ये वाली DC और AB ये भी आपस में बराबर होंगी, ठीक। तो यहाँ AD बराबर क्या होगा? AD के बराबर BC, तो यहाँ लिख देंगे आप BC, ये हो गया आंसर, ठीक है। कोण DCB, कोण DCB, बच्चों जिस कोण की हम बात करते हैं उसे हम बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कोण DCB, तो यहाँ कौन से कोण की बात कर रहे हैं? C की, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण BCD,
यहाँ पर भी हमने कोण को बीच में रखा है। जिस कोण की हम बात करेंगे उसे कहाँ रखते हैं, बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ किस कोण की बात कर रहे हैं, सी की, ठीक है। कोण डी सी बी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले कोण के, यानी ए के। तो इसे हम लिखेंगे कोण डी ए बी या बी ए डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण डी ए बी, ठीक। जिस कोण की हम बात करेंगे उसे कहाँ रखेंगे, बीच में। थर्ड है ओ सी, किसके बराबर होगा, ओ और सी, ठीक। ये किसके बराबर होगा, ओ और ए के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओ सी और ओ ए बराबर है, ओ डी और ओ बी बराबर है, ठीक है। तो ओ सी किसके बराबर है, ओ ए, ओ ए, क्लियर बच्चों। अगला है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, किस किस कोण की बात हो रही है। देखो यहाँ बीच में क्या है, ए यानी इस कोण की बात हो रही है, और इसमें है डी यानी इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। ये कैसे कोण है, एक ही लाइन पर, ठीक है, बने हुए कोण, ये वाला और ये वाला एक ही रेखा पर बनना है। तो इसका मान होगा 180 डिग्री। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।